नमस्कार, मैं हूं योगेश कुमार और आप देख रहे हैं आईबीएन भारत। कानपुर के दुर्दांत अपराधी विकास दुबे के उज्जैन से कानपुर लाते समय एनकाउंटर के मामले में सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एसआईटी के साथ न्यायिक जांच शुरू करा दी है, लेकिन लोगों के सवाल हैं कि थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। मामले को लेकर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में जुडिशियल इंक्वायरी की मांग को लेकर एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। जनहित याचिका में कोर्ट से मॉनिटरिंग की भी मांग की गई है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव प्रभाष शंकर मिश्र की ओर से दाखिल इस जनहित याचिका पर सुनवाई की स्वीकृत चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने दे दी है, जिस पर 15 जुलाई को सुनवाई होनी है। आप सभी मीडिया कर्मियों को इलाहाबाद कानपुर इनकाउंटर प्रकरण में संबंधित सारी बातें आप लोगों के समक्ष बताना चाहता हूं कि इस प्रकरण में चूंकि मानवाधिकारों का उल्लंघन जुडिशरी के कार्यों का कार्यपालिका द्वारा किया जाना, बहुत ढेर सारी बातें जिस पे सारे बुद्धिजीवियों की उंगली उठी थी, उस प्रकरण पर मैंने माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय को 9 तारीख को एक पत्र सोमोटो के लिए दिया कि वो कोर्ट स्वतः संज्ञान ले कि क्या यह प्रकरण कार्यपालिका न्यायपालिका को नज़रअंदाज करके कर रही है। इस पे चूँकि माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय द्वारा सोमोटो की कार्रवाई नहीं की गई, उसके बाद 10 तारीख को हमने इसी कार्य के तहत एक रिमाइंडर माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया। उस पर भी कार्रवाई न होने के कारण मैं एज ए महासचिव बार एसोसिएशन, मुझे लगा कि चूंकि इस प्रकरण पे पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, सारे बुद्धिजीवी, सारे लोग ये देखना चाह रहे हैं कि क्या कार्यपालिका न्यायपालिका से बड़ी हो गई है। चूंकि न्यायपालिका की गरिमा को कार्यपालिका ने लगातार गिराने का कार्य किया, इससे दुखी होकर आज हमने एक PIL 10 बजे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया और माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय के सामने जाके मेंशन किया, जिस पे माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने परसों 15 को सुनवाई के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है, जिससे कानपुर इनकाउंटर प्रकरण में सुनवाई 15 तारीख को माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष होगी। यही इस तथ्य से संबंधित सारी जानकारी। पीलीभीत के थाना अमरिया के माधवपुर चौराहे पर अज्ञात वाहन ने कार सवार 6 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कार में बैठे 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों में एक महिला, एक बच्चा और 2 पुरुष शामिल हैं, जिनको पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से CHC अमरिया में भर्ती कराया गया और प्राथमिक उपचार के बाद चारों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी एक ही परिवार के थे। ये सभी लोग अमरिया अपने दामाद को देखने के लिए आए थे, जो बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र के झांझू नगर के रहने वाले हैं। मृतकों में पति पत्नी दोनों शामिल हैं। फिलहाल पुलिस अब उस अज्ञात वाहन को खोजने का काम कर रही है, जिसने कार को टक्कर मारी थी। खबर औरैया से है, जहां सावन के सोमवार को देवकली मंदिर औरैया में प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते थे, लेकिन इस बार कोरोना वायरस के चलते इक्का दुक्का दर्शनार्थी दर्शन के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। प्रशासन सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर मुस्तैद है, लेकिन भीड़ ना होने की वजह से कोई जद्दोजहद नहीं करनी पड़ रही है। तस्वीरों में आप साफ देख रहे हैं कि जहाँ मेला परिसर में प्रतिवर्ष दुकानें सस्ती थी, आज सुनसान यानी सन्नाटा पड़ा हुआ है। महामारी के कारण से प्रभाव तो विशेषकर हर जगह है और धार्मिक स्थल पे भी ऐसा प्रभाव महामारी की वजह से है। वैसे प्रतिवर्ष यहाँ पर भागवत का आयोजन भी होता था, एक महीने कथा का आयोजन चलता था, और इस बार महामारी कोरोना की वजह से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में दर्शन प्राप्त हो रहे हैं और जल, फूल, पत्री या प्रसाद की अनुमति प्रशासन द्वारा नहीं है अंदर मंदिर में ले जाने की, तो लोग बड़े शांति से और लाइन से दो दो चार चार लोग दर्शन कर रहे हैं। दो चार जहां लोग लाखों की भीड़ होती थी, आज वहां दो चार लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं। सावन की शुरुआत हो चुकी है और आज सावन का दूसरा सोमवार है।
जिसके चलते अमेठी जिले के मुसाफिरखाना क्षेत्र के कोचित गांव में प्राचीन मंदिर दंडेश्वर धाम पर शिव के भक्तों की जमकर भीड़ लगी रही। वहीं लोग कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के नज़रअंदाज करते हुए बिना मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करते हुए सरकार की गाइडलाइन के नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ लगी हुई है भक्तों की, जिसमें ना तो मास्क का प्रयोग नजर आ रहा है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। जाहिर है लोगों की ऐसी लापरवाही इन लोगों के साथ साथ दूसरे अन्य लोगों के लिए भी मुसीबत बन सकती है। मैंने कुटवा साहब को फोन किया था कि महोदय, यहाँ पर सावन में, महाशिवरात्रि में, मकर संक्रांति में, मौनी अमावस्या को हजारों की तादाद में लोग जुटते हैं शिवभक्त। कुटवा साहब को हमने निवेदन किया कि महोदय, आप दो चार लोगों को यहाँ पर अपनी टीम को लगा दीजिए, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता रहे और यहाँ पर जो भक्त आ रहे हैं उनको मास्क लगाकर ही अंदर जलापूर्ति करने के लिए जो है निवेदन किया जाए। ये मैंने कुटवा साहब को कहा, लेकिन अभी तक कुटवा साहब ने इस पर ध्यान नहीं दिया। आपकी तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, इस मंदिर की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई? जैसे कि हमने एक घंटा में कपड़ा बंधवा दिया था, कपड़े को खोल के फेंकवा दिया गया, कुछ लोगों ने खोल के फेंक दिया, घंटा जबरदस्ती बजाते हैं, बताइए इसके लिए हम लोग क्या करें? क्या मंदिर पर सैनिटाइज करवाया गया था? जी हाँ जी करवाया गया। और जो जिस तरह से तिलक लगाया जा रहा है, भीड़ लगा के ऐसे में सैकड़ों लोगों को तिलक लगाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहें? नहीं, सबको नहीं लगाया जा रहा, जो लोग ज़्यादा इच्छुक हैं पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश के पानी को अपने डैम में स्टोर करने के बजाय नेपाल ने भारत के मैदानी इलाकों में छोड़ दिया है, जिससे सीमावर्ती जिला बहराइच में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इस भयानक बाढ़ की वजह से जनपद बहराइच की 3 तहसील क्षेत्र के 70 से अधिक गांव प्रभावित होते हैं। पानी छोड़े जाने की वजह से सरयू नदी उफान पर आ गई है और तेजी से कटान करते हुए देहसी तहसील क्षेत्र के दर्जनों गांव का अस्तित्व समाप्त कर चुकी है। विकराल रूप धारण किए हुए सरयू नदी प्रतिदिन सैकड़ों बीघा जमीन काटते हुए नदी में समाहित कर रही है, जिससे खेतों में लगा धान और गन्ने की फसल नदी में समाहित हो रही है। यही नहीं, इस विकराल नदी के बहाव में अब तक तमाम घर कट चुके हैं। खेत और घर नदी में समाहित होने के बाद टिकुरी, गोलागंज, कायमपुर, भौरी समेत दर्जनों गाँव के बाढ़ पीड़ितों ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया गया है। टिकुरी गांव का निरीक्षण किया है, यहां पे 3-4 परिवार के मकान पानी के कारण कटे थे, जो कि नदी के बहुत ही किनारे थे। उन सारे परिवारों को हम लोगों ने आर्थिक सहायता दी है, उनको जमीन उपलब्ध कराया गया है नया बसने के लिए, ताकि वो अपने परिवार के साथ वहां पे बस सकें और आगे भी उनको खान पान की और रहने की कोई समस्या ना हो, इसका प्रशासन के द्वारा देखरेख किया जाएगा। हमारे साथ यहां पे अभी SDRF की टीम आई हुई है, NDRF की टीम आई हुई है और बाढ़ खंड के इंजीनियर आए हुए हैं, उन्होंने सारा मुआयना किया है और किसी भी परिस्थिति से हम लोग निपटने के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हैं। हमारी बाढ़ चौकियां अलर्ट हैं और प्रशासनिक दृष्टिकोण से सारी तैयारी कर ली गई है। हमारे यहां पे जो भी लोग हैं, मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि हर परिस्थिति में हम उनकी सहायता करने में सक्षम हैं।